Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the viewers in the second part of lecture 16, that is about how to prepare presentation in PowerPoint. So before moving towards this video, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. लास्ट वीडियो में हम एमएस पावर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लेआउट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में कैसे क्रिएट की जा सकती है। सबसे पहली स्लाइड आपकी जो होती है वो मेन स्लाइड होती है या टाइटल स्लाइड होती है, जिसमें आप जिस टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसका टाइटल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं सिंपल एक प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूँ कंप्यूटर, जिसका टॉपिक होगा, तो मैं यहाँ सिंपल सा एक टॉपिक ऐड कर लेता हूँ कंप्यूटर। यहाँ आप सब टाइटल भी दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ही कि आप सब टाइटल दें। इस सब टाइटल की जगह मैं एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। इमेज इंसर्ट करने का तरीका वही है जो हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, यानी आपने इंसर्ट में आना है और पिक्चर में जाना है। अगर आप कोई ऐसी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं जो क्लिप आर्ट का पार्ट है, तो आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करें। क्लिप आर्ट पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पर एक क्लिप आर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। यहाँ आप टाइप कर लें जिस चीज़ की आपको पिक्चर रिक्वायर्ड है। तो मुझे कंप्यूटर की पिक्चर रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ कंप्यूटर लिखूंगा और गो पे क्लिक करूँगा। गो पे क्लिक करने के बाद क्लिप आर्ट में जितनी इमेजेस कंप्यूटर से रिलेटेड पड़ी होंगी वो तमाम की तमाम यहाँ अपेयर हो जाएंगी, और जो आपको रिक्वायर्ड हो आप उसे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं कि जहां भी आपने इसे प्लेस करना है, और इसका साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन स्लाइड बन चुकी है, जिसे हम टाइटल स्लाइड कहेंगे। अभी मैंने नेक्स्ट एक स्लाइड बनानी है, तो नेक्स्ट स्लाइड बनाने का तरीका ये है कि आपने इस स्लाइड पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू अपेयर होगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ से आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद एक न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। आपने यहाँ सिंपल टाइटल लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन, और यहाँ आपने कंप्यूटर के बारे में टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ कंप्यूटर के बारे में। इसी तरह मैं एक और डेफिनेशन ऐड करना चाहता हूँ कंप्यूटर की, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा न्यू लाइन में आने के लिए, और यहाँ मैं सेकंड डेफिनेशन लिखूंगा। आपने कोशिश करनी है कि आप स्लाइड में कम से कम टेक्स्ट लिखें, ताकि जो प्रेजेंटेशन देखने वाला हो, व्यूअर्स हो, वो आपका टेक्स्ट ना पढ़ें बल्कि वो आपको सुने। इसी तरह मैं एक और स्लाइड एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगा। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद एक और स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ मैं इसकी डिटेल लिख सकता हूँ, देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नंबर वन हार्डवेयर एंड नंबर टू सॉफ्टवेयर। आप इनको नंबरिंग भी दे सकते हैं, जैसा कि हम एमएस वर्ड में देते थे। नंबरिंग देने के लिए आपने इसे सेलेक्ट करना है, और यहाँ आकर नंबर्स में आना है, और यहाँ से आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद एक मेन्यू आ जाएगा, और यहाँ से आपने न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है। न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ हमने हार्डवेयर के बारे में लिखना है, अगर आप चाहते हैं कि हार्डवेयर की कोई पिक्चर इंसर्ट करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इंसर्ट में आए, पिक्चर में आए, अगर आपके पास कोई हार्डवेयर की पिक्चर कंप्यूटर में सेव है तो, वरना आप क्लिप आर्ट में ही आए और यहाँ से हार्डवेयर की कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस हार्डवेयर की पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसे अपनी मर्जी से जहाँ इसको मैं प्लेस करना चाहता हूँ वहाँ रख सकता हूँ। तो ये हार्डवेयर के बारे में स्लाइड क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह मैं इसे मजीद कंटिन्यू करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, और ये मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बनाता हूँ।
इसी तरह सॉफ्टवेयर की मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं पिक्चर में आऊँगा। अगर मैंने अपने कंप्यूटर में सेव करके रखी है कोई सॉफ्टवेयर की पिक्चर तो मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके ला सकता हूँ। अगर आप लास्ट स्लाइड एक और बनाना चाहते हैं थैंक्स की तो आप वो भी बना सकते हैं। तो मैं एक और स्लाइड बना लेता हूँ जहाँ मैं लिख लेता हूँ थैंक्स फॉर लिसनिंग। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जितना फॉन्ट आपने यूज किया है उसका फॉर्मेट एक ही हो, साइज एक ही हो, कलर एक ही हो। तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लेता हूँ फॉर्मेटिंग की। मैं इसकी हेडिंग को बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे वाले फॉन्ट को मैं 30 कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ। इसी तरह आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बराबर नहीं है, यानी जस्टिफाई नहीं है। जस्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ से इसे जस्टिफाई कर लेता हूँ ताकि राइट और लेफ्ट साइड से अलाइनमेंट टेक्स्ट की इक्वल हो। जो चेंजेस मैंने इस स्लाइड में की हैं, मेरी कोशिश होगी कि यही चेंजेस मैं इस स्लाइड में भी करूँ। तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इस फॉन्ट को 30 कर लेता हूँ, यहाँ से इसे टाइम न्यू रोमन कर लेता हूँ और इसे जस्टिफाई कर लेता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड को भी यही फॉर्मेटिंग देता हूँ। मैं इस स्लाइड में भी यही चेंजेस करता हूँ जो कि मैंने पिछले स्लाइड में की हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी ये प्रेजेंटेशन तैयार है जो कि टोटल 6 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है। पहली स्लाइड मेन स्लाइड है जिसे हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। इसका टाइटल भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये सही नज़र आए और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अभी मैं इन स्लाइड्स को रन करना चाहता हूँ तो उसके रन करने का तरीका ये है, या तो आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करें, या यहाँ आपको ये आइकन नज़र आ रहा हो स्लाइड शो का, यहाँ इस आइकन पे क्लिक करें। अगर ये तरीका भी आप नहीं करना चाहते तो आप स्लाइड शो में चले जाएं। स्लाइड शो के टैब में जाने के बाद यहाँ से आप फ्रॉम बिगनिंग इस कमांड पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद प्रेजेंटेशन रन हो जाएगी और मेन स्लाइड जो होगी वो अपेयर होगी। एरो कीज की मदद से आप नेक्स्ट स्लाइड ला सकते हैं। तो मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो अगली स्लाइड आ जाएगी, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। और जितनी बार आप कीज प्रेस करेंगे एंटर की या एरो कीज, आपकी स्लाइड्स रन होती रहेंगी। तो ये सिंपल सी हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनाना सीख चुके होंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में इस प्रेजेंटेशन पर मजीद क्या क्या किया जा सकता है, क्या डिजाइन किए जा सकते हैं और क्या एनिमेशन सेट की जा सकती है, वो लेकर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।